एमपी के भोपाल में फार्मेसी कॉलेज की एक स्टूडेंट ने रैगिंग से तंग आकर कर ली खुदकुशी। छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी करने से पहले अपने कमरे में एक सुसाइड नोट छोड़ा। फार्मेसी की छात्रा अनीता ने अपने सुसाइड नोट में चार सीनियर लड़कियों और एक टीचर का नाम लिखा है। अनीता ने जो सुसाइड नोट लिखा है उसका मजमून इस प्रकार है। अनीता ने चिट्ठी में लिखा है कि जब से मैं कॉलेज में आई हूँ मेरे साथ रैगिंग हो रही है। ये चारों लोग बहुत गंदे हैं। शिकायत करने पर मनीष सर ने कहा कि कॉलेज में रहना है तो सीनियर की बात माननी होगी। मेरे ऊपर तेजाब फेंकने और रेप कराने की धमकी दी जा रही है। अनीता ने आगे लिखा है कि मम्मी पापा आई लव यू, आप मुझे मिस मत करना। भाई सबसे ज्यादा तू रोने वाला है, तेरी बेस्ट फ्रेंड जा रही है। मैं ना गंदी बन सकी और ना स्ट्रॉन्ग, मुझे पिंक सूट पहनाकर जलाना। पापा मैं जानती हूँ कि मैं आपकी फेवरेट रही हूँ। दीप्ति, कृति, निधि, दिव्यांगी और मनीष सर दूसरों के साथ भी ऐसा करते हैं, उन्हें सजा जरूर दिला। आगे जोर जोर से रो रही थी, वो मेरे पास बोली थी चार लड़कियों ने मेरे को बोले जो बहुत परेशान किया है, दो तीन लड़कों को लाके धमकियां दी है। उससे नाम का मेरे को पता नहीं है लेकिन उसे लिखा हुआ है नाम। मामले की गंभीरता को देखते हुए एमपी पुलिस ने पांचों आरोपियों को फौरन गिरफ्तार कर लिया है। एमपी सरकार कॉलेज प्रशासन के खिलाफ भी कार्रवाई का मन बना रही है।